हेलो क्लास फाइव सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर फोर दैट इज़ एनिमल्स आवर फ्रेंड्स ओके सो देखिए फर्स्ट वन आज द फिल इन द ब्लैंक्स वी कीप डैश एंड डैश एज पेट्स हम किस किस को पेट्स की तरह रखते हैं सो डॉग्स होते हैं कैट्स होते हैं देर आर बर्ड्स पैरट्स वगैरह ठीक है ना सो वी कैन राइट डॉग्स कैट्स या बर्ड्स हम लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज डैश एसज द पुलिस इन सर्च ऑपरेशंस कौन सा एनिमल है जो पुलिस को असिस्ट करता है सर्च ऑपरेशंस में कि, किसी चीज़ों को ढूंढने में मेनली ड्रग्स वगैरह वगैरह से रिलेटेड होता है या फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू वो स्मेल अपनी स्मेल पावर को यूज़ करके पुलिस की हेल्प करते हैं अलग अलग चीज़ें ढूंढने में सो so, कौन करता है इट इज़ अ डॉग ओके नेक्स्ट देखिए कस्तूरी इज़ एन इन्ग्रीडियट ऑफ डैश अभी देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिक्कत है ठीक है दो तरह से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है फर्स्ट इज़ कस्तूरी इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ डैश इंग्रेडिएंट ऑफ परफ्यूम्स डियर को हटा दीजिए ठीक है ना अगर परफ्यूम्स का इन्ग्री अगर इंग्रेडिएंट पूछा है तो किस में कस्तूरी किस में यूज़ होता है परफ्यूम्स बनाने में या फिर दूसरी तरीके से इसको कैसे फ्रेम किया जा सकता है कस्तूरी इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम डैश डियर ठीक है ना अगर हम डियर को रखें तो इट इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम विच डियर कौन से स्पीशीज ऑफ डियर से हमें मिलता है सो इट इज़ मस्क डियर ठीक है ना सो so, दोनों तरीके से हो सकता है नेक्स्ट देखिए डैश ऑफ एलिफेंट हैव बीन यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एलिफेंट के कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं सो इट इज़ अ टस्क टस्क का यूज़ करते हैं ओके नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ फ्रॉग्स विल इंक्रीज द डैश पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन ऑफ फ्रॉग फ्रॉग्स का एक्सटिंक्शन किस चीज़ को इंक्रीज़ करेगा किसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेगा जिसको फ्रॉग खाता है अगर फ्रॉग मर गया तो जिन जिन इंसेक्ट्स को वो खाता है उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी सो इंसेक्ट पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेगा नेक्स्ट देखिए सिक्स फूड चें्स आर फाउंड इन ऑल डैश फूड चें्स कहाँ मिलती हैं हर तरह के हैबिटेट में आपको क्या मिल जाती हैं फूड चेंस मिल जाती हैं ओके नेक्स्ट बी पार्ट मैच द फॉलोइंग क्रैब क्रैब हमें पता है क्या होता है एक तरह का सी फूड है ठीक है ना और सेकेंड देखिए ऑयस्टर ऑयस्टर से हमें क्या मिलता है ऑयस्टर से मिलते हैं हमें पर्ल्स मोती मिलते हैं ठीक है ना पढ़ा था हमने नेक्स्ट इज ऑक्स ऑक्स बैल को हम किस में यूज करते हैं कार्ट को पुल करने में बैलगाड़ी में ठीक है ना या फिर प्लो वगैरह में गांव में यूज करते हैं सो ऑक्स पुलिंग कार्ट ठीक है नेक्स्ट इज माउंटेन गोट माउंटेन गोड से हमें क्या मिलता है पश्मीना वूल मिलता है ठीक है ना जो बहुत एक्सपेंसिव होता है नेक्स्ट इज बेल्ट ईगल ये बेल्ट ईगल क्या होता है एक तरह का एंडेंजर्ड बर्ड है ठीक है ना जिसका आ, बहुत कम नंबर्स में बचे हैं और हो सकता है अगर इनकी हंटिंग और मतलब अगर ह्यूमन बीइंग्स ने इनको इसी तरह से डिस्टर्ब करना इनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करना जारी रखा तो दे कैन गेट एक्सटिंक्ट सो इट इज़ एन एक्सटिंक्ट सॉरी एंडेंजर्ड एनिमल नेक्स्ट देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन अ डेलीकेसी मेड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग ऑफ अ वेराइटी ऑफ फिश बहुत सारे फिशेज के जो अनफर्टिलाइज एग हैं उनसे हमें क्या मिलता है कौन सी डिश बनती है डेलीकेसी दैट इज कैवियर मैं कैवियर की फोटो इंसर्ट करूंगी कैवियर ठीक है नेक्स्ट इज विच ऑफ़ दिज एनिमल्स इज़ एक्सटिंक्ट इनमें से कौन सा एनिमल है जो एक्सटिंक्ट है विक्टीरियन कैमल गोल्डन लॉय कुआगा या पांडा सो so, क्वागा इज़ अ एनिमल दैट इज एक्सटिंक्ट जो क्या है एक्सटिंक्ट हो चुका है ओके नेक्स्ट द बॉडी पार्ट्स ऑफ राइनासॉर्स फॉर विच इट इज ऑफन हंटेड बाई ह्यूमस इज कौन सा बॉडी पार्ट है रायनासॉर्स का जिसके लिए उसे हंट किया जाता है सो so, कौन सा है इट इज़ हॉर्न्स डायनासॉर के जो हॉर्न्स हैं उनसे मेडिसिन बनती है उनको हमने पढ़ा था चैप्टर में उसको पाउडर बना दिया जाता है ग्राउंड करके पीस कर और फिर उससे मेडिसिन बनाई जाती है नेक्स्ट देखिए ह्यूमन्स आर डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स बाय जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनिमल्स का हैबिटेट उनका जो नेचुरल घर है उसे कैसे खराब कर रहे हैं बाय कटिंग डाउन ट्रीज बहुत सारे ट्रीज़ को कट करके ठीक है नेक्स्ट देखिए द लास्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज करेक्ट अब इसमें से कौन सी फूड चेन करेक्ट है हमें ये बताना है तो देखिए फर्स्ट वन को देखते हैं लीव्स लीव्स को खाता है फ्रॉग नो इट इज नॉट करेक्ट लीव्स फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट को खाता है लीव्स को नहीं खाता है ठीक है ना सो इट इज रॉन्ग फर्स्ट वन इज रॉन्ग सेकेंड देखिए ग्रेन्स ग्रेन्स को खाती है हैन ठीक है हैन को खाते हैं मैन ठीक है तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा इट इज़ द करेक्ट फूड चेन Alright, so tomorrow we will be doing the question answers. Till then, goodbye everyone and take care.